मध्य प्रदेश के सतना जिले की मेहर में सरला नगर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग के श्रमिक लगातार सातवें दिन भी हड़ताल पर है। श्रमिकों की मांग है कि मेहर सीमेंट की तरह अल्ट्राटेक सीमेंट में भी श्रमिकों की भविष्य सुरक्षा निधि की कटौती कर खुद उनके खाते में डाले, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ये मानने को तैयार नहीं है। प्रबंधन का साफ कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के नियम में ये नहीं है, लिहाजा फैक्ट्री प्रबंधन श्रमिकों की मांगे पूरी करने में नाकाम है। वहीं अल्ट्राटेक उद्योग ने श्रमिकों की भविष्य सुरक्षा निधि ठेकेदारों के माध्यम से कटौती कर उनके पीएफ अकाउंट में डलवाने की बात कही है, जिसे नकारते हुए श्रमिक आज 7 दिन से हड़ताल में है। मौके पर मेहर SDM SDOP मेहर ने तैनात होकर श्रमिकों को समझाइश दी और निराकरण न होने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मझगवां से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। यहाँ प्रमुख समस्या है, मेहर सीमेंट कंपनी ने जो है पहले PF ट्रस्ट बनाया था और उसमें स्टाफ एम्प्लाइज, परमानेंट एम्प्लाइज और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सभी ट्रस्ट में PF काटती थी। अभी जब अल्ट्राटेक में मर्ज हो गई मेहर सीमेंट, तो इन्होंने ठेकेदार श्रमिकों के साथ भेदभाव कर दिया और स्टाफ और परमानेंट एम्प्लाइज का अपना अल्ट्राटेक का जो ट्रस्ट है नागपुर में 23424 नंबर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और हम समस्त ठेका श्रमिकों के साथ जो है एक शोषणात्मक नीति अपना करके सभी कॉन्ट्रैक्टरों के नाम में सेपरेट कोड मांगा जा रहा है और उनको अलग अलग ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी सफलता नहीं मिलेगी। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं यहाँ? ये हमारा 18 तारीख से आंदोलन चल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कोई आए हैं या नहीं आए हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी उपस्थित नहीं हुए, उनसे आग्रह किए गए और आज पधार रहे हैं, निवेदन किया है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मजदूरों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों के साथ बैठ करके न्याय की लड़ाई लड़वा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाया जा रहा है। मेरा कहना है कि मैहर सीमेंट प्रबंधक जो है तानाशाह रवैया जब से नया मेजरमेंट आया है तब से अपनाया हुआ है और यहाँ पर एक गुंडा राज कायम करना चाहता है। यहाँ के सभी क्षेत्र वालों को अभी से लेकर और पहले तक अभी बंद किया है, अभी कई लोगों की ड्यूटी पहले से ही बंद है, तो आने वाले समय में यहाँ फैक्ट्री का जो तमाम मजदूर है वो तो बैठा हुआ है, क्षेत्रीय लोग भी आकर के इस फैक्ट्री में कल से अगर यहाँ आज मांग हम लोगों की पूरी नहीं करता और मुकदमा वापस नहीं लेता तो कल से पूरा क्षेत्र के लोग भी आकर के यहाँ बैठेंगे और सब लोग इस फैक्ट्री में जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। यही हमारा कहना है, अगर प्रशासन हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा तो हम जाकर SDM और कलेक्टर के यहाँ भी धरना धरेंगे। इसके लिए सभी श्रमिक हमारे साथ हैं, सभी साथी को मंजूर है क्योंकि सब गरीबों की लड़ाई है। यहाँ सभी नेताओं और सभी मंत्रियों, जो भी नेता और मंत्री सांसद हैं, सबको बता दिया गया है, अवगत करा दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।